गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम निकले हैं मंदिर की तरफ और रास्ते में हमें कुछ प्रोटेस्ट करते हुए लोग दिखे जो कि किसान हैं और किसान के सपोर्ट में हैं। इन्होंने होर्डिंग्स वगैरह लगा के रखे हैं और जितने भी ये दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो ये जो प्रोटेस्ट है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से है। ये चीज़ें देख के अच्छा लगा, वरना कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी दिल्ली में आप देख रहे हो वो चीज़ें कैसे हैं वो सब लोग जानते हैं। तो कभी कभी ऐसे डर भी हो जाता है कि अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ अगर हैं, अगर ये प्रोटेस्ट कभी उग्र हो जाए या फिर आप समझते हो ना वायलेंस वगैरह हो जाए, तो ये चीज़ें अच्छा लगा। तो हम किसी तरह भी वहाँ से क्रॉस कर गए और क्रॉस करने के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर मंदिर जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है ये पटना का। और पटना कोई भी आता है तो यहाँ से होके ही जाता है क्योंकि स्टेशन के बगल में ही है। तो यहाँ पर आए हम लोग और लोगों से बचते हुए, फूल वालों से, और जितने बेचने वाले होते हैं आपको पकड़ के अंदर लेके चले जाएंगे कि आप यहाँ पे लो ये सारी चीज़ें। और एक्चुअली जब भी हम पटना आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आते हैं। तो फ्लावर वगैरह जो चीज़ें लिया हम लोगों ने, और यहाँ का एक प्रसाद है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और प्रसाद का नाम है नैवेद्यम, जो कि बहुत ही मीन्स कि मुझे तो नहीं पता है कैसे बनता है, लेकिन वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने मैरिज को रिक्रिएट किया यहाँ पे, और वो सारी यादें जो हैं वो ताज़ी हो गई। और वैसे तो हम मंदिर में आए थे तो एक छोटा सा हम लोगों ने सोचा कि चलो आज मैरिज एनिवर्सरी है तो कुछ ऐसा ही इवेंट क्रिएट किया जाए। और हमारी शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई थी, यहीं से हुई थी। तो हम लोग आज के दिन मंदिर आए हुए थे उस दिन भी और आज के दिन भी थे, तो मैंने हम लोगों ने सोचा कि एक मोमेंट क्रिएट करते, तो वो चीज़ें हम लोगों ने क्रिएट किया और मज़ा बहुत आया। दीदी जिया जी भी थे और यश भी थी, तो वहाँ पे आव्या और आयरानी थे उस टाइम पे भी, आव्या और आयरानी थे, तो ये चीज़ें मज़ा आया। तो अब 2 घंटे पहले तो जाना ही चाहिए क्योंकि आज का जो सिचुएशन चल रहा है, और सभी लोग भी रेडी हैं, कुछ लोग छोड़ने के लिए, कुछ लोग जाने के लिए। तो बाय सबको, और मम्मी टेक केयर। मैगी क्या बात है, मैं जाके आज के दिन तो मैगी ही बनेगा। पापा भी रेडी, सबसे बिजी आदमी। कौन गाड़ी है? गुंडू ठीक है, रेडी हो गई, वेरी गुड एज यूजुअल। आरा जब सो रही है, अप्रैल फर्स्ट अप्रैल उसको बिजी रहने दीजिए। और मम्मी भी बिजी, सबसे बिजी। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए।
सब कोई खुश रहिए लोग बाबू हमारे। रेडी टू गो? वाओ, वापस है मुंबई। वेरी गुड, मिलते हैं एक और ओकेजन पे। इधर कुछ, इधर कुछ सिर पे कुछ रहेगा पक्का। ओहो टीटू, बाय करो, बाय करो, जा देंगे, चलो अच्छा लगा तुमसे। क्या रिकॉर्ड कर रहा है, कितना अच्छा है। फाइनली सारी चीज़ें क्रॉस कर गई, अब बस एक फ्लाइट की दूरी है, उसके बाद तो मुंबई, मुंबई के बाद फिर डे टू डेली लाइफ। सी यू इन प्लेन। फाइनली एंटर करके फ्लाइट में हुई। अभी जाके उठे हैं ये दोनों, पूरे ट्रेवल में ये सो के गुजार के अभी भूख लगी है। और ऑलमोस्ट कितने लगे, दो घंटे लगे ना हम लोगों को, दो घंटे ट्रैवलिंग को लगे। आप
एयरपोर्ट से घर जाने को कहीं 2 घंटे ना लगे। यहाँ की ट्रैफिक ऐसी है जैसे कि लगता है कि जितना हम फ्लाई करके हैं उतना टाइम ही लगेगा फिर घर जाने में। चलो चलेंगे अभी। शूज भी नहीं पहना तुमने। चलो उधर भागो, उधर भागो। चलो मम्मा आए उधर। घर में भी आ गए। ऐसे कौन भागता है? हाँ, एक एक चीज जैसे अपने घर में आई है ना वैसे पहचान का मिला ना एकदम बाहर का तो एकदम फ्री। वैसे रूम में जाने के बाद देखो कैसा आता है। ऑफ था ना लाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाओ मेरा प्लेस।